सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे। आज आप लोग को बताएंगे क्लास टेंथ मैथ भारतीय भवन। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे बहुपद का, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट में सरा का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 4 बताएंगे, तो चलिए क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या निकालना है इसमें? द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो देखिए, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है, मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, इससे द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर बैठाएंगे और निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले एक बात आप लोग को याद अभी आएगा, वीडियो के फर्स्ट दिन या सेकंड दिन आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और फिर इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा फार्मूला था, इसी फार्मूला पर बनेगा। तो चलिए आप लोग को फार्मूला बताते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग को बता देंगे, तो सारा क्वेश्चन 4 का सारा क्वेश्चन उसी अनुसार बनेगा, उसी के फार्मूला के अनुसार बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक फार्मूला आप लोग को लिख के बताते हैं और एक क्वेश्चन भी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर सारा क्वेश्चन एमए के क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से लेके 5 तक बनेगा। तो चलिए एक आप लोग को पहले दिखा देते हैं बना के, उसके बाद आप लोग कहिएगा कि सारा हम अपने से बना लेंगे, ठीक है। ऐसे सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के जस्ट के तहत उतार देना है माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? ये 0 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ पर 0 है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, 0 है, तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पर इसको हम सब इंटू में, मतलब ब्रैकेट जब हटता है तो क्या गुना के चिन्ह आता है, तो यहाँ पर इंटू दे देंगे, इंटू मतलब गुना होता है एक्स, फिर प्लस का चिन्ह और फिर अल्फा इंटू में बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, कितना है √5। ये बैठा देंगे यहाँ पर, इसके जगह पर √5 बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 0 है, तो 0 को क्या करते हैं, 0 जब आता है तो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ठीक है, बराबर में 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। कितना आसानी से बन गया, आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्व करके आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह से ही सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, इसमें भी फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स इसमें लिखा है ना, अगला वाला में वाई मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स रहे या वाई रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला में क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में अल्फा, सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा प्लस में बीटा और फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू में वाई फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। अब इस पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, देखिए शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो चलिए, इसके अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या बैठाएंगे, -3 और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। तो चलिए इसको आगे चलते हैं, तो वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर जस्ट के तहत उतार देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या बिठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर -3, यहाँ पर पहले से फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और इंटू में वाई, ठीक है, फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा के जगह पर क्या, 2 बैठाएंगे। अब देखिए, तो वाई स्क्वायर और ये क्या है, माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में, ये दोनों के जब गुणा कर देंगे तो 3 वाई या प्लस में क्या, 2, यही इसका क्या हो गया,
आंसर हो गया, बराबर में जीरो भी लिख सकते हैं। देखिए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, तीसरा भी इसी तरह से बहुत ही आसानी है। आप लोग वीडियो रोक कर आप लोग पहले बना कर देख लीजिए, सेम है, ठीक है, देख रहे ना सेम है। थोड़ा सा फाइव नंबर भी थोड़ा सा बट्टा में दे दिया हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी तरह से बनेगा। आप लोग वीडियो रोक कर बना लीजिए, उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पर तो देखिए थ्री में भी सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये जस के तहत उतर जाएगा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या वन बैठाएंगे और इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या वन है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक में एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा, एक्स प्लस में वन, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहेंगे तो बराबर में जीरो भी लगा सकते हैं या न भी लगाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, तो फोर में है पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। चलिए अब यहां पर देखिए शून्यकों का योग फोर है, शून्यकों का गुणनफल वन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है फोर है और अल्फा इंटू बीटा वन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को जस के तहत उतार देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे फोर बैठा देंगे, फिर यहाँ पर क्या है इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या वन बैठाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये दोनों के जब गुना हो जाएगा तो क्या फोर एक्स हो जाएगा प्लस में वन हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है, आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन है वो और बच गया है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं। देखिए फाइव में भी इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और फिर प्लस में अल्फा इन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। अब देखिए यहाँ पर बटा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के सेम लिख देंगे, माइनस में अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है माइनस में वन बटा फोर है, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस में वन बटा फोर और इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा की तरफ क्या वन बटा फोर, बराबर में जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में वन बटा फोर एक्स हो जाएगा और फिर प्लस में वन बटा फोर बराबर में जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए अब ये सबको क्या करेंगे, भीम के जोड़ कर देंगे, ठीक है, तो भीम के जोड़ यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सब का एलसीएम कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं तो अगर वन लिख देंगे तो वन के टेबल में फोर कितना फोर मरते में आएगा, तो फोर में एक्स से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोर फोर मिल गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन में और एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और फिर प्लस में फोर मिल गया तो क्या वन बराबर में जीरो, कुछ नीचे कुछ नहीं तो वन भी बिठा सकते हैं। अब देखिए एक में इस सबको गुना करेंगे या फोर में जीरो से मतलब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए तो फोर फोर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस में वन में एक से गुना करेंगे, तो देखिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन, ऊपर वाला सेम आ गया
अब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी 4 के बताए इस वीडियो में, अब अगला जो क्वेश्चन है फिर आगे के वीडियो में बताएंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा था प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नए वीडियो में।